ऐसा कहा जाता है कि योगी आदित्यनाथ जो है आपको काका जी कहते हैं, तो अपने भतीजे को कोई सलाह या सुझाव देना चाहेंगे आप? वे मुझे काका जी कहते हैं या नहीं कहते हैं, लेकिन रिश्ते से मैं काका बनता हूँ। और योगी जी जो हैं वो मेरे बहुत प्रिय हैं, अभिन्न हृदय हैं, और मैं जब भी कभी गोरक्षपीठ की गरिमा पर किसी प्रकार की भी आँच आई है तो उसमें मैं सदा गोरक्षपीठ की सेवा में, सहायता शब्द नहीं बोलना चाहिए, केवल वो इतना पवित्र पीठ है हिंदुओं का कि मैं उसकी सेवा में सदा उपस्थित रहा हूँ। ऐसी स्थिति में वे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, क्यों बने, किस लिए बने और कैसे उनको बना लिया गया, ये भगवान की, गोरक्षनाथ भगवान की बड़ी महान कृपा है। लेकिन वे जो कुछ करेंगे वो हिंदुओं के हित में करेंगे, और हिंदुओं के हित में करेंगे तो इसमें बुराई क्या है। उनकी सत्ता में, जैसा अभी तीन दिन में दिखलाया भी गया, मुसलमान भी अपनी फरियादें लेकर उनके पास जाते हैं। गोरक्षपीठ और मैं और कोई भी पुराने हिंदू महासभाई या हिंदू राष्ट्रवादी मुसलमानों के विरोध में नहीं है, हम देशद्रोहियों के विरोध में हैं। जो भारत भक्त मुसलमान है, मैं तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को वो भारत के राष्ट्रपति होने चाहिए, ये बात सबसे पहले मेरे मुंह से निकली थी, ये एक ऐतिहासिक तथ्य है। और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जैसा व्यक्ति दुर्लभ है, और मेरे यहाँ उनके आने का कार्यक्रम था और वो नहीं आ पाए, उसके पूर्व ही उनका देहांत हो गया। तो पिछली गुरु पूर्णिमा पर मैंने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का चित्र रख करके गुरु पूर्णिमा पर अपने भक्तों के द्वारा उनकी पूजा करवाई थी। तो हम मुसलमानों के विरोध में नहीं है, हम देशद्रोहियों के विरोध में है। अशफाकुल्ला जैसे मुसलमान, मैं यहाँ दोहराना चाहूँगा अशफाकुल्ला की वाणी को, जो उन्होंने फांसी पर चढ़ने के पूर्व, बड़ी पवित्र वाणी है, जाऊँगा खाली हाथ मगर ये दर्द साथ ही जाएगा, जाने किस दिन हिंदुस्तान आजाद वतन कहलाएगा, बिस्मिल हिंदू हैं कहते हैं, फिर आऊंगा फिर आऊंगा, फिर आकर के ऐ भारत मां तुझको आजाद कराऊंगा, जी करता है मैं भी कह दूं पर मजहब से बंध जाता हूं, जी करता है मैं भी कह दूं पर मजहब से बंध जाता हूं, मैं मुसलमान हूं, मैं पुनर्जन्म की बात नहीं कह पाता हूं, पर खुदा अगर मिल गया कहीं तो अपनी झोली फैला दूंगा और जन्नत के बदले उससे एक पुनर्जन्म ही मांगूंगा। इससे बढ़कर के कोई पवित्र भावना हो सकती है? और ये भावना हमारे अशफाकुल्ला की अंतरात्मा से, तो मैं चाहता हूं कि ये शिरडी के साईं बाबा की जो पूजा हो रही है, हिंदू जाति की बुद्धि भ्रष्ट हो रही है, उसके स्थान पर यदि गांव गांव में अशफाकुल्ला के मंदिर बने और उनकी पूजा हो तो हिंदू जाति का कुछ लाभ होगा और सारे संसार के देशभक्तों को उनसे प्रेरणा मिलेगी।